एक्वा स्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वा स्टार ईपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वा स्टार। नमस्कार, न्यूज अब तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है आर्या झा। द्वीप पर्यटन महोत्सव के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार प्रशासन ने ग्रामीण विकास निर्देशालय की ओर से मरीना पार्क में स्वयं सहायता समूह मेले का आयोजन किया। स्वयं सहायता समूह मेले और 1 जनवरी तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि 28 दिसंबर से शुरू हुए मेले में स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में लोग अपनी पसंदीदा उत्पादों को खरीद भी कर रहे हैं। मरीना पार्क में आयोजित 5 दिवसीय स्वयं सहायता समूह मेले में दक्षिण अंडमान जिले के विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़े 100 स्टॉल लगाया गया है। आपको बता दें कि इन स्टॉलों में स्वयं सहायता समूह द्वारा हाथ से तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है। इन उत्पादों में कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल से लेकर घरेलू साज सज्जा, विभिन्न बांस और बेंत के हस्तशिल्प, कढ़ाई के कपड़े, पारंपरिक खाद्य पदार्थ, स्मृति चिन्ह, मिठाई, अचार, बिरयानी सहित खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है। आपको बता दें कि मेले में स्थानीय कलाकारों की भी प्रस्तुति दी जा रही है और लोग स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति देखने और मेले में खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। इसी के साथ ग्रामीण विकास निर्देशालय की ओर से समय समय पर स्वयं सहायता समूहों को मंच उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता है ताकि स्वयं सहायता समूह के लोग अपने उत्पादों की बिक्री कर सके। हेलो, तो हम कुछ प्रोडक्ट्स गोबर से बनाते हैं। हमारा MVP स्टार प्रोडक्ट है हमारा हवन कप। ये गोबर का बना हुआ कप है। इसका बाहर का शेल गोबर का बना हुआ है और अंदर 7 तरह का हर्ब्स है, प्लस सांबरानी, गुगल, लोबन, सैंडलवुड, तुलसी वगैरह का एक्स्ट्रैक्ट डालते हैं। आपको जो मार्केट में मिलता होगा उसमें चारकोल होता है और चारकोल का होता क्या है कि आप जब उसको इनहेल करोगे तो वो बहुत लंग इश्यूज कॉज करता है। पुराने ज़माने में लोग गोबर जलाते थे मच्छर भगाने के लिए, तो इसका कॉन्सेप्ट वही है कि पूजा भी हो जाता है, मच्छर भी भाग जाते हैं। हमारे पास दिया भी है, ये दिया पूरा गोबर का बना हुआ दिया है। ये दिया यूज़ करने के बाद आपको इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको पानी में डाल के छोड़ देंगे तो ये खाद बन जाएगा। और हमारे पास ये अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती बैम्बू फ्री अगरबत्ती है, बांस का लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। और इसका बाकी का जो बॉडी है, मंदिर में जो फूल चढ़ाते हैं उसको हम लेते हैं, उसको रिसाइकल करके गोबर से मिला के थोड़ा सा सैंडलवुड का पाउडर डाल के बनाते हैं। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं पड़ता। हमारे सारे प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 60-70% रिसाइकल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, गोबर वगैरह पड़ता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स पेट फ्रेंडली, किड फ्रेंडली, और अगर फैमिली में किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी कोई हेल्थ इश्यूज कॉज नहीं करता है। नमस्ते सर, हम लोग तारा SHG से हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर से। हम लोग लेडीज़ मिल के ये सब बनाते हैं। हम लोगों ये सब अपॉर्चुनिटी देते तो हम लोग बनाया वाला ये सारा सामान को ही हम लोगों को सेल करने के लिए एक मौका मिलता है। हम लोगों इस वजह से अच्छा हेल्प भी होता है। नमस्ते, हम लोग शोलबे क्षेत्र से हैं और एकता सिंह से, मेरा नाम सुमिता है। हम लोग बैम्बू का हैंडीक्राफ्ट करते हैं, तो हम लोग इसमें बहुत सारा मेहनत है, बहुत सारा मेहनत है, तो हम लोग इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है LLM की तरफ से, तो हम इसको बना रहे हैं। देखिए कितने सुंदर हैं, तो इसमें आप दिखा सकते हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।